अब सबसे काम की चीज है हमारी चेन रूल। मैं इसको अपनी लैंग्वेज में लिखवाता हूँ, तीन वर्ड लिखवाता हूँ इसके लिए, पीएफटी। पीएफटी समझते हो? नहीं ना? पावर फंक्शन थीटा। अब बोलोगे थीटा आपके ट्रिग्नोमेट्री वाला थीटा नहीं है, पीएफटी स्टैंड फॉर पावर फंक्शन थीटा। अब क्योंकि हम कोर मैथ्स में थीटा वर्ड यूज करते हैं, है क्या ये चीज, एग्जांपल लेके समझाते हैं। लेट्स से कितने को अभी मैंने लिखवाए थे सैम स्पेशल, चार, तो SS5। मान लो मैं आपको बोलू बेटा डेरिवेटिव फाइंड करने, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x+2 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे करोगे आप? नॉर्मली आप क्या करोगे, या तो ओपन कर लोगे, ठीक है? अगर आप नॉर्मली कर रहे हो तो क्या करोगे, इसे ओपन करोगे, क्या बन जाएगा, a+b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। यहाँ तक क्लियर? फिर इसका क्या कर दोगे आप, डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बताओ, 18x + 12। यहाँ तक क्लियर? अभी तो क्वेश्चन छोटा सा था, झट से आपने कर दिया। लेट्स से इसको मैं कर दूं पावर 4, 5, तब आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसी को ऑल्टरनेटिव वे क्या करने का, अब महक अब आप बोल सकते हो, बिल्कुल इस पूरे को मैं क्या करूंगा, एक एक्स की तरह ट्रीट, यानी कैसे, 3x+2 का होल स्क्वायर है ना। अगर मान लो मैं इसको लेता, अगर इसको x मान लेता पूरे को, तो y इज इक्वल्स टू x² की फॉर्म में होता, और इसका डेरिवेटिव क्या करता बेटा, 2x करता। यहाँ तक क्लियर? सेम यहाँ पे भी है, क्या करूँगा, dy/dx। पहले सिंपली पहले पावर का, पावर आगे एक पावर कम इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3। कर दो कितना हुआ मेरे बच्चा, 6 18x + 12। इतना पॉइंट क्लियर? आपने मैं क्वेश्चन पूछा था वो यहीं पे आप मिस्टेक कर गए थे उसकी, ठीक है? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ आप इसका डेरिवेटिव निकालो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू √2x - 1, इसका निकालो, 1 मिनट 30 सेकेंड्स। अब देखो क्या बोला हमने, चेन रूल क्या है, पीएफटी पावर फंक्शन थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट लाइक दिस, हाफ लिख सकता हूँ। अब ये बताओ क्या करते हैं, पहले सिंपल लैंग्वेज सुनना, पहले पावर का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन उसके अंदर वाले का, और फिर अगर कुछ और भी अंदर वाला है थीटा तो उसका डेरिवेटिव। तो इस पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं बताओ, पावर आगे और एक पावर कम, यानी dy/dx 1/2 आगे और एक पावर माइनस कर देते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर? काम नहीं हुआ अभी, ये हुआ पावर का, क्या चीजें रहती है, पीएफटी पावर हो गया, फंक्शन है, फंक्शन क्या है, 2x - 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2। थीटा कुछ है और नहीं, ये कट गया इससे, तो क्या बना ये बेटा, 2x - 1 की पावर -1/2, दैट इज 1/√2x - 1। बोलो क्लियर? अभी भी दो लाइन मेरी बच जाती, पूछो कैसे। यस, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√x, ऐसे कर लेता इससे तो भी मेरा आंसर आता, अभी दिखाऊंगा कैसे। बोलो यहां तक क्लियर? चलो एक टास्क और दिया, अब इस बार आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका, log 3x⁴, इसका निकालो। अब मैंने दिया, इस पे चेक करते हैं, इस पे चेक करते हैं सर,
y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अब मैंने क्या बोला, पहले पावर का, पावर का क्या होगा, पावर आगे दैट इज 4 आगे, तो log 3x की पावर 3 इंटू फंक्शन, बेटा फंक्शन क्या है log, और log का डेरिवेटिव। अब बेटा एक बात बताओ, log x का 1 बाय x है, यहाँ क्या है, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 3x। अब एक मिनट, मिस्टेक का हो आप लोगों से, यहाँ तक तो पहुँच गए, मैंने क्या वो तीन वर्ड्स बोले, पावर, पावर थी हाँ, फंक्शन था थीटा भी है अंदर, इसका डेरिवेटिव भी तो करोगे, थीटा यानी अंदर जो है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x का 3, तो आंसर क्या है फाइनली 4 बाय 4 log 3x होल क्यूब अपॉन x। पॉइंट क्लियर, सॉरी फंक्शन, हाँ मैं ये तो एक समझाने का तरीका है थीटा। अब मान लो इसके अंदर मैं और भी चीज को एक्सपैंड कर सकता हूँ, कैसे, अगर मैं मान लो log log डाल दूँ, log 3x लो होल क्यूब ऐसे कर देता, तो सिंपल क्या होता है, पहले बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, इसमें बाहर सबसे बाहर क्या होती है, खुद की कॉमन सेंस से बताओ, पावर, तो पहले पावर का करा, फिर अंदर आओ, अंदर क्या है log 1 upon log 3x, फिर इसका करो 1 upon 3x, फिर इसका करो, अब समझ आ गया, ये पैटर्न चलता है। अब इसमें चाहे मैं 10 ऐसे लगा दूं, पैटर्न नहीं चलेगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसा, या क्लियर हो चुका कॉन्सेप्ट? अब एक लास्ट पॉइंट देता हूं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी सॉरी एमएल उठा रहा हूं। मान लो मैं आपको कह दूं बेटा log 5x का डेरिवेटिव, इसका बताओ क्या आएगा आंसर, log 5x का डेरिवेटिव। अब आ गया झट से 1 upon 5x into 5, राइट? चलो एक लेवल आपका क्वालिफाई हो चुका है, आंसर इज 1 बाय x। अब सर एक नोट लिख लो जो काम आने वाला है आपके, फॉर्मूलास कितने लिखवा दिए अभी तक बेटा मैंने, 7 आई गेस, ज्यादा लिखवाए होंगे, 11 लिखवा दिए। चेन रूल इज नॉट अ फॉर्मूला, वो तो कॉन्सेप्ट है। अब जो फॉर्मूला कह लो या कुछ पॉइंट कह लो, नोट कह लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो क्या बेटा, वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, अंश मैंने आपसे क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था बेटा, अब आप बताओ वाई क्यूब का डेरिवेटिव, बोलो बोलो शाबाश, 3y² पावर आगे पावर कम, फिर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अब आगे कॉन्सेप्ट, बस यही मेरे को पॉइंट समझाना था। तो बेटा वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ, आप ही बता दो, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको बता दूं, पहले एक्सरसाइज अपने आप कर लोगे। कर लो इसे नोट।